बालाघाट जिले को आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की यादों के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहां ग्राम रामपायली में म्यूजियम के रूप में संघ संस्थापक हेडगेवार के स्मृति चिन्हों को संरक्षित किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 सितंबर को रामपायली आएंगे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी जारी है। इसी का जायजा क्षेत्र के विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने लिया। इस मौके पर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी समीर सौरभ मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रामपाली आगमन हो रहा है, ये रामपाली के लिए बहुत शुभ लक्षण है कि उनके इस आगमन से जहां हम रामपाली को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे थे, चाहे हमने रामपाली का गेट बनाया, हमने फिर हमने नागथाना रोड अपने हमारा प्रयास था कि रामपाली से चारों तरफ निकलने का बढ़िया रास्ता हो, और अभी इसके बाद रामपाली बिजली के बीच की पुटिया भी स्वीकृत हो गई है, 10-11 करोड़ की पुटिया है बिल्कुल, और एक महीने के अंदर टेंडर उसका जाएगा। तो सर अभी इसमें बहुत बड़ा ये बोनस का काम होगा कि मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे सामान्य हेगड़े जी का जो सामने थाने के सामने उस समय हमें खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो उस समय की घटना को लेकर उस बात को शहादत के रूप में उसको मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी शहादत को सलाम करने के लिए, और एक स्मारक स्थल बनेगा जहाँ उनका ट्रस्ट है जी, यहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे जहाँ पर उन्होंने खाने वहाँ पड़ता था। तो यहाँ जो स्मारक बनेगा, म्यूजियम बनेगा जिसमें उनकी जीवन की सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाएगी बिल्कुल, और चूँकि म्यूजियम बनेगा लोग बाहर से अनेकों अंतर्राष्ट्रीय नेता आएंगे, लोग आएंगे दर्शन करने उनके, तो यहाँ से जो एक स्टाफ डैम है यहाँ के विकास का बहुत बड़ा कारण बनेगा बाद में किसानों को, जो स्टाफ डैम भी उसमें स्वीकार हो रहा है। यहाँ से लेके हमारा मेन रोड जो है जहाँ हमने गेट बनाया भगवान राम मंदिर का, गेट तक सीमेंटेड रोड हो जाएगी, स्टाफ डैम हो जाएगा, पुलिया निर्माण तो पहले से निश्चित हो गया है, तो इससे रामपाली का एक विकास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा मुख्यमंत्री जी का, और इसमें लगभग 18-20 करोड़ की योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री रामपाली क्षेत्र को दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शुभ लक्षण है, और हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका आभार। इसमें यही है कि रामपाली जब आएंगे तो राम मंदिर के पीछे हेलीपैड बना हुआ बिल्कुल, हाँ चूँकि हेलीपैड उनको वापस जाने के लिए बनाया गया वो, हाँ सर, बाकी रामपाली वो बाइक आ रहे हैं आकर राम मंदिर में दर्शन करेंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद सामने जो पुलिस थाना था वहाँ पर स्थल का निरीक्षण करेंगे बिल्कुल, उसके बाद उनका जो ट्रस्ट है जहाँ उनका म्यूजियम बनना है, स्मारक बनना है, उस स्थल का जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि कहाँ पर क्या चीज़ बनना है, और उसमें जो भी राशि लगेगी उसका मुझे अनुमोदन मोटे तौर पर 18-20 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देने जाते हैं।